हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर मुकेश वाणी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आगर मालवा में पोस्टेड हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब क्या करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ। जी वाणी जी, आगर मालवा में किस तरह की स्थिति है कोरोना को लेकर, और वहां की जो समुदाय है, हमारे नया जिला बना है आगर मालवा, किस तरह से लोग उसका पालन कर रहे हैं? सर पालन अच्छे से हो पा रहा है यहाँ पर, और सभी डॉक्टर का और पैरामेडिकल स्टाफ जो है सतर्क और सजग रूप से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चों के भविष्य को लेकर जो पढ़ रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट हैं आजकल, तो अभी तो एक ट्रेंड बिल्कुल कोरोना के कारण ही सामने आ गया कि ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हो गई। पहले भी थी लेकिन अब तो हर स्कूल कॉलेज ये व्यवस्था कर रहा है। आप किस तरह से लेते हैं इस विषय को, इस व्यवस्था को? हम लोग जो है अभी एक ऐप जो है डाउनलोड किया है। हम लोग सतत संपर्क में है विद्यार्थियों से, और हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया है जिस पर हम सतत जो है अपने नोट्स और उनसे संबंधित जानकारी भेजते रहते हैं बच्चों को। वाणी जी, घर परिवार में इस वक्त आप भी लॉकडाउन में परिवार के साथ होंगे, कैसे अपना समय व्यतीत करते हैं? अभी फिलहाल मैं एज ए बॉटनिस्ट, मैं बॉटनी का रहा हूँ, और मेरे छत पर जो है मैंने गार्डन डेवलप किया हुआ है। मेरे बच्चे और मैं शाम को जो है रोज गमलों को देखरेख करना, पानी देना, और दिन भर घर में बैठ करके बच्चों को कोरोना से संबंधित बातचीत में ही समय अपना व्यतीत करता हूँ, और उनको बताता रहता हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, सजग रहना है। एक बात मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूंगी संजीव जी, कि विशेषज्ञ और खेत खलिहान से जुड़े हुए लोग कह कह कर थक गए कि एक छोटी सी बगीची तैयार करो, उसमें मिर्ची टमाटर का पौधा लगाओ है, सब्जी लगाओ, और अब वो मौका है जब वो बातें याद आ रही हैं कि काश ऐसा किया होता किचन, तो घर की गार्डन, किचन गार्डन बनाया होता, ताजा सब्जी मिल जाती। बिल्कुल बिल्कुल, सारी सब्जियां और उसको आप घर से ही निकाल लेते। मुकेश जी, आपने अपने गार्डन में जो आपकी छत में उसमें क्या क्या लगाया हुआ है, थोड़ा सा बताएं? अभी सर मैंने पिछले साल तक कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स के करीब करीब 50 गमले मैंने तैयार किए हुए हैं, और पिछले 20 सालों से इनकी देखरेख कर रहा हूँ। अच्छा। वर्तमान में मैंने जो है उज्जैन जिले के अंदर मेरा रिसर्च वर्क रहा है औषधीय पौधों के ऊपर। औषधीय पौधों का मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया है उज्जैन जिले के, और अब मेरा भविष्य में प्लानिंग है कि अपनी ही छत पर जितनी मेरे पास जगह उपलब्ध है उस पर मैं एक औषधीय पौधों का छोटा सा गार्डन डेवलप करने तैयार कर रहा हूं। क्या बात है जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई पसंद का गीत बताएं वाणी जी जो हम आपको सुनवाएं? सर मेरी पसंद का गीत है फिल्म अनोखा धान, और सन 1972 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, और सलील चौधरी जी का संगीत है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपको सब याद है। हाँ, बड़ा ही पसंदीदा गाना है आपका। हाँ, जी बोल, क्या है आपका लिखा हुआ गीत है? तो ये अगर आप सुनवा दें तो बोल बोल बताइए, बोल बताइए। मत भरी ये हवाएं। जी जी, सच में बहुत बढ़िया गीत है, और हम हवाओं से निवेदन करेंगे कि हवाओं थोड़ा संभल जाओ और अच्छी अच्छी खबरें हम तक लेकर आओ, और कभी फुर्सत मिली तो आपका गार्डन देखने हम जरूर आएंगे। आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत रहेगा सर मेरे घर पे जी, निश्चित आइए। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।